कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का और डीए की किस्त देने के लिए भी वो हमारे पर कर्जा छोड़ चुके हैं। कुछ और लोन भी उठाया जाएगा। जयराम ठाकुर जी कुछ जानते हैं कि उन्होंने हमको कितने कर्जे के बोझ के नीचे दबाना था। राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने फैसले किए। कब तक आखिरकार वो इस बात को लेकर के रोना धोना रोते रहेंगे कि लोन बहुत ज्यादा है। जब हमें भी सत्ता प्राप्त हुई थी तो उस वक्त 50,000 करोड़ रुपए का लोन उस वक्त था। महीने भर में 1500 करोड़ के लोन के जवाब में सीएम सुक्खू बोले, आने वाले समय में लेने पड़ सकते हैं और कड़े फैसले। पूर्व सीएम के तंज पर जवाब देते हुए कहा, जयराम सरकार ने ऐसा करने पर मजबूर किया। सैकड़ों संस्थान टेंडर व उद्योगों पर तालाबंदी तथा कर्ज का रोना रोने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम सुक्खू पर कसे थे तंज। पूर्व सीएम के अनुसार उनके लिए भी वीरभद्र सरकार द्वारा 50,000 करोड़ का कर्ज छोड़े जाने के बावजूद वह ऐसे नहीं रोए। मुख्यमंत्री ने फिर दोहराई स्टेट के आर्थिक हालात सुधरने में 4 साल का समय लगने की बात। सीएम के अनुसार बंद अथवा डिनोटिफाई किए गए सैकड़ों संस्थान जयराम सरकार ने महज पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए खोले थे। सुखविंदर सुक्खू के अनुसार सरकार के पहले बजट में शामिल होंगे विधायकों के सुझाव। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के तंज पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि वह महज एक महीने में 1500 करोड़ का कर्ज लेने की बात कह रहे हैं, जबकि सूबे के आर्थिक हालात को देखते हुए आने वाले समय में उन्हें और कर्ज की जरूरत पड़ सकती है। सीएम सुक्खू ने कहा कि उनके सरकार को पिछली गवर्नमेंट द्वारा जारी न किया गया कर्मचारियों और पेंशनर का विभिन्न देनदारियों का करीब 11,000 करोड़ जारी करना है और कर्ज उतारने व सूबे के आर्थिक हालात को सुधारने में उनका 5 में से 4 साल का कार्यकाल निकल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार को कुछ और कड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं और जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली पूर्व भाजपा सरकार द्वारा भारी भरकम कर्ज लेकर उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया गया। विधायक प्राथमिकताओं की बैठक के तीसरे दिन आज उन्होंने कहा कि उनके सरकार के पहले बजट सत्र में सभी दलों के एमएलए द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने 2025 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाए जाने व एचआरटीसी द्वारा इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदे जाने का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कल बार बार कर्ज की बात कह रहे सीएम सुखविंदर सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा था कि नई सरकार विकास के काम ठप रख कर महज कर्ज का रोना रो रही है। पूर्व सीएम के अनुसार उनकी सरकार पर भी उनसे पहले की वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा 50,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा गया था और उन्होंने नई सरकार की तरह कभी भी लोन की लिमिट बढ़ाने संबंधी बिल पास नहीं किया। 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा शपथ ग्रहण किए जाने के बाद महज एक माह में 1500 करोड़ का लोन लिए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उनकी कर्ज की स्पीड पर चिंता जताई थी और पिछले सरकार के 500 से ज्यादा संस्थान बंद करने, विभिन्न विकास योजनाओं के टेंडर व सरकारी नौकरियों पर रोक तथा सीमेंट उद्योग भी बंद होने को लेकर नई सरकार को तालाबंदी की सरकार करार दिया था। सोशल मीडिया व मीडिया में चर्चे इस बात के भी शुरू हो चुके हैं कि 20 साल पहले बंद हो चुकी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने पर हिमाचल सरकार की आमदनी का 76% तक हिस्सा खर्च हो सकता है और पेट्रोल डीजल व खाद्य तेल की कीमत बढ़ाए जाने तथा पूर्व की सरकार के संस्थान बंद किए जाने के बावजूद ओपीएस व कर्मचारियों के डीए की जरूरत के मुताबिक बजट की व्यवस्था सरकार संभवतः नहीं कर पाएगी। गत विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता, 300 यूनिट फ्री बिजली व दूध तथा गोबर की खरीद जैसे सभी वादे अथवा गारंटी पूरे किए जाने पर जानकारों के अनुसार हिमाचल सरकार की आर्थिक दशा और बदहाल होगी और ऐसे में आम अथवा गरीब जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। सभी विधायक अपनी प्राथमिकताएं बताते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की प्राथमिकताएं बताते हैं, अपने विधानसभा की क्षेत्र की प्राथमिकताओं के आधार पर हम उन्हें बजट आवंटन करते हैं। बजट आवंटन करने के बाद जो नए आइडिया देते हैं उन नए आइडियों को हम बजट के माध्यम से दूर करने की कोशिश करते हैं और इस दृष्टिकोण से हमारी आज विधायक प्राथमिकता की बैठक हुई। जो बजट है उसमें उन प्राथमिकताओं को दर्शाया जाएगा। के पूर्व मंत्री नेताओं का सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमने कुछ चीजें उनको बोली, उन्होंने बड़े सार्थक बोला कि हम भी जानते हैं कि हमारी पोजीशन कैसी है, तो उस दृष्टिकोण से हमारे जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने भी बोला, तो कुछ कड़े फैसले आने वाले समय में हम मंत्रिमंडल में लेंगे और उसके आधार पर हम आने वाले समय में आपको बताएंगे। देखिए, पिछले ही कल मैं आज देख रहा था कि जयराम ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, 11,000 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का और डीए की किस्त देने के लिए भी वो हमारे पर कर्जा छोड़ चुके हैं, पे देने के लिए हमने जो व्यवस्था बना रहे हैं उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ और लोन भी उठाया जाएगा। जयराम ठाकुर जी कुछ जानते हैं कि उन्होंने हमको कितने कर्जे के बोझ के नीचे दबाना था।
राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने फैसले किए और राजनीतिक लाभ से आज प्रदेश ऐसी आर्थिक बदहाली की स्थिति में पहुंच गया है जिसको संभालने के लिए 4 साल लग जाएंगे, 4 साल आर्थिक स्थिति की बदहाली से लाने के लिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम इस आर्थिक बदहाली से आगे बढ़कर हम कार्य करें, ज्यादा कर्जों पर ना निर्भर रहकर ऐसी योजना लाएं जो हिमाचल के युवाओं के भविष्य का सुरक्षित करे और हर एक हिमाचल की जनता का उत्थान की संबंधित ऐसी योजनाओं को लाने की हम कोशिश करेंगे। पत्रकारों पर बने केसेस, सभी हिमाचल के अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर बने केसेस, हम जनता पर बने केसेस, किसान पर बने केसेस, मजदूर पर बने केसेस और ये युवाओं पर बने केसेस, सभी को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया जाएगा और ये ऑर्डर कर दिए गए हैं और निश्चित तौर पर इनका अमली जामा भी आने वाले समय में कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों में मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, हमने एक टारगेट दिया है कि 2025 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाना है। आज हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है परिवहन विभाग, हिंदुस्तान का पहला ऐसा डिपार्टमेंट बना है जो पूरा तरह इलेक्ट्रिकल हो गया है। इसी तरह और जो विभाग होंगे आने वाले समय में आप देखेंगे वो इलेक्ट्रिकल वाहनों में गुजरेंगे, इससे खर्चा भी कम होगा और प्रदेश जो पर्यटक राज्य के रूप में जाना जाता है वहाँ प्रदूषण की समस्या जो थोड़ी बहुत पनप रही है वो भी कम होगी। प्रदेश को जो 50 साल के लिए जो लोन मिलता है और इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, हम उसमें 800 करोड़ रुपए पहले उसमें ले चुके हैं। उसमें उनको प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अपना पक्ष रखे, लेकिन सिर्फ कोसने से नहीं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अब उनके पास प्रदेश का जिम्मा है, प्रदेश की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। कब तक आखिरकार वो इस बात को लेकर के रोना धोना रोते रहेंगे कि लोन बहुत ज्यादा है, जब हमें भी हिमाचल प्रदेश जो है वो संचालन के लिए मिला तो सत्ता प्राप्त हुई थी तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि लोन था ही नहीं, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का लोन उस वक्त था। हमने कोविड के बावजूद भी जो 2013 से 2017 तक उनकी सरकार रही, जितना लोन उस वक्त लिया उससे कम लोन लिया इन 5 वर्षों में। जो लिमिट थी हमारी लोन लेने की, उस लिमिट को हमने कभी टच नहीं किया, हमने उससे कम लोन लिया है, इस बात को भी उनको समझना होगा। और अभी बजट सत्र से पहले जो 3 दिन का सत्र विंटर सेशन धर्मशाला में हुआ और उसमें लोन की लिमिट को इंक्रीज करने का प्रस्ताव आया, वहां पर बिल आया और उस बिल में उस लिमिट को इंक्रीज कर दिया, उसको 6% तक कर दिया और उसके साथ साथ में ये भी उसमें कर दिया गया 1500 करोड़ रुपए 1500 करोड़ रुपए, मतलब यानी कि 1500 करोड़ रुपए 1.5 महीने में ले चुके हैं और जब तक ये 3 महीने का कार्यकाल इनका होगा, 2 महीने का कार्यकाल जो होगा उसमें मतलब 1500 करोड़ रुपए और लेने की इनकी तैयारी, यानी कि 3000 करोड़ रुपए लेने की तैयारी इनकी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इनको इस सारी चीज को लेकर के ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, अपनी परिस्थिति को समझना चाहिए और उस परिस्थिति में कैसे प्रदेश आगे बढ़ सकता है, डेवलपमेंट के काम किस प्रकार से हो सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए अब जिम्मेवारी उनकी है। ये नहीं चल सकता है प्रदेश में कि आप संस्थानों को बंद कर दें, इंडस्ट्री में ताला, संस्थानों में ताला, हर जगह काम बंद, LOC बंद, सारी चीजें, टेंडर की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया, सारी व्यवस्थाओं को, सारा डेवलपमेंट स्टेट का स्टैंड स्टिल पे आ गया है, हर जगह ताला। ये इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इतने इस छोटे से इस कार्यकाल की। मैं उतना ही कहना चाह रहा हूं कि प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम करें, ये तालाबंदी बंद करें।